सो गाइस फाइनली नया सीजन आ चुका है आज का गाइस डे वन एंड रैंक फिशिंग के लिए गाइस मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने यार सबसे पहले सुबह उठकर कलेक्ट कर लिए ओल्ड वाले जो भी कॉन्कर का रिवॉर्ड था वो सब, एंड जितने भाई लोगों ने कॉन्कर लगाया था पिछले सीजन उन लोगों ने भी कर लिया होगा, अभी तक नहीं किया तो कर लो यार फटाफट। एंड गाइस यहां पे देख रहे हो सीजन 14 से मैंने बैक टू बैक कॉन्कर पुश किया है, एंड हर एक सीजन गाइस 8 से 10 आईडी लगाता हूं मैं कॉन्कर क्योंकि मैं पेट पुश भी करता हूं। एंड गाइस अब यहां पे गाइस इस सीजन में कुछ अलग होने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेम है ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो चुका है, हाईलाइट हो रहा है। एंड गाइस इसके लिए गाइस इस बार इस सीजन में बहुत ज्यादा रैंक फिशिंग में कंपटीशन मिलने वाला है क्योंकि यार रैंक फिशर्स इस बार एकदम फ्रेम के लिए पागल हो चुके हैं। अपडेट भले ही गाइस इतना कूल ना हो लेकिन गाइस फ्रेम बहुत ज्यादा कूल है, तो इस फ्रेम के लिए गाइस मैं आज की वीडियो में थोड़ा सा लाइक आपको टिप्स देने वाला हूं, जैसे कि सोलो डुओ स्क्वाड जिसमें भी रैंक फिश करने का प्लान है आपका यार ये वाली स्ट्रेटजी ट्राई करना, वन वीक के अंदर कॉन्कर तुम्हारा पक्का होगा मेरी गारंटी। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो अपनी रैंक पुश के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स पे होने वाली है, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरी तरफ से देने की कोशिश करूंगा ताकि यार आप लोग है ना इस सीजन रैंक पुश में गाइस जल्दी जल्दी कौन कर लगा दो, क्योंकि यार एक और दिक्कत है इसी में साथ गाइस हैकर वगैरह का भी लफड़ा है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार सर्वर फीस हैकर ये सब है ना, एंड ये सोलो में बहुत ज्यादा फेस होता है, तो दो स्क्वाड में भी आते होंगे लेकिन सोलो में बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं चाहता हूं यार जल्दी जल्दी कौन कर लगा दो ताकि यार आप लोगों को भी थोड़ा रिलैक्स मिले, क्योंकि सात दिन में कौन कर हो जाता ना तो ये हैकर वैकर का फंडा चलता रहेगा पूरा सीजन, कौन कर फट से लगा दो और रिलैक्स हो जाओ। तो क्या है स्ट्रेटजी, चलो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो एक लाइक वाला बटन दबा दो यार, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार क्या दिक्कत है, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन चाहिए रहता है यार। पहले गाइस सोलो रिलेटेड टिप्स की बात कर लेंगे, एंड गाइस देखो गेम प्ले देखकर भी बहुत सारा कुछ सीख सकते हो तो गेम प्ले पूरा देखना, एंड डुओ स्क्वाड का भी मैं आगे टिप्स शेयर करता हूं। सबसे पहले सोलो की बात कर ले, जैसे कि आपको पता है कि सोलो में गाइस रिकॉल आपको बहुत ज्यादा लाइक रेयरली यहां पे 12-15 मिनट का मिलता है, एंड ये वन टाइम रिकॉल रहता है अगर आप यहां पे इवेंट पे आते हो इस शिप पे, एंड यहां पे अगर मर जाते हो तो उसके बाद से गाइस आपको रिकॉल नहीं मिलेगा, तो किल्स निकालने का एक मौका मिल रहा है, तो उस गाइस आपको छोड़ना नहीं है। तो गाइस देखो यहाँ पे उसके बाद से गाइस आपको अपने सेल्फ किट वाला जो ऑप्शन है जो बैग में आपके अगर आपने पिक किया, जैसे कि यहाँ पे मैं पिक कर लेता हूँ जस्ट, तो इसको गाइस मैं अगर मैं नॉक हो जाता हूँ तो रिवाइव कर सकता हूँ, बट अगर बंदा क्लोज में रहा तो आपको फिनिश कर देगा और आपका मोह मोह हो जाएगा। तो यार मैं एक ही ट्रिक दूंगा यहाँ पे, आप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पर फाइट लो, अगर आपके पास उसमें लाइक फर्स्ट एड है जो सेल्फ रिवाइव कर सकते हो तो उस टाइम पे गाइस आप डिस्टेंस फाइट लो, जिससे आप अगर नॉक हो जाते हो तो रिवाइव कर सकते हो खुद को, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपका कोई टीममेट है नहीं डुओ स्क्वाड की तरह कि यार आपको जाके रिकॉल दे दे एंड आपको रिवाइव दे दे एक टाइप का, एंड आपका यार पॉइंट्स लाइक माइनस होने से बच जाए। अब बात कर ले गाइस देखो यहाँ पे सोलो में ना थोड़ा पेशेंस रखकर खेलना पड़ता है, लो टियर है तो आप है ना डायरेक्टली फाइट लेकर आप खेल सकते हो, आपको लगता है कि केडी आपको 10 की रखनी है आपको मेंटेन रखनी है तो यार आप है ना किल्स निकाल कर खेल सकते हो, बट आप एक थोड़ा सेफ तरीके से आपको बोलूं तो यार आप है ना किल्स भी निकाल लोगे और आपको अच्छा प्लस मिलेगा, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी आपको सिंपल रखनी पड़ेगी, इवेंट पे आप लैंड करें एंड आपने फाइट लिया जितने भी किल्स मिले उसके बाद से आपने थोड़ा सा लूट उट करके साइड में थोड़ा सा पेशेंस रख के पड़े रहे कहीं भी, एंड उसके बाद से लास्ट सर्कल में जैसे फोर्थ जोन होता है जहाँ से लाइक आप 25 बंदे इतने अलाय रहते ना 25-30 बंदे, तो वहाँ से अगर आप थोड़ा सा किल्स के लिए जा सकते हो क्योंकि स्टार्ट में आपको माइनस करना है, तो ये ट्राई करना कि यार आप स्टार्ट में माइनस ना करो। ये वाले ट्रिक गाइस सोलो डुओ स्क्वाड तीनों में काम आएगा, ठीक है। और गाइस अगर आपका टियर हाई है और गाइस यहाँ से आपको क्या करना है इवेंट पे फाइट लेना है, इवेंट पे अगर फाइट लेते हो और वहाँ पे आपको किल लाइक मिल जाता नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट सर्कल का पूरा खेल है, लास्ट सर्कल में गाइस आपने थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना है एंड किल्स निकाल कर खेलने की कोशिश करो, तो रियली स्ट्रेटजी गाइस क्या होगा आपको पॉइंट्स भी अच्छा खासा प्लस मिल जाएगा लाइक, एंड उसके साथ साथ आपको किल्स भी मिल जाएंगे जिससे आपकी केडी भी मेंटेन रहेगी, बट ये वाली ट्रिक यार हाई टियर पे ट्राई करना, वो आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कैसे क्या करना है, गेम प्ले के साथ साथ लेके आता रहूंगा मैं वीडियोस। और एक बात गाइस देखो ये वाला गेम प्ले सोलो का है, तो अगर सोलो रैंक पुशर्स ये वाली वीडियो देख रहे हो तो ये वाली वीडियो देखकर भी आप कुछ बहुत कुछ सीख सकते हो, तो ये वाली वीडियो यार रैंक पुशर्स में कैसे स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं सेम कर सकते हो। बात कर ले गाइस पॉइंट्स कितना निकालना पड़ेगा आपको सोलो की बात कर ले गाइस, तो सोलो में अभी देखो अगर प्लैटिनम टियर है या डायमंड टियर है तो देखो लो टियर है तो थोड़ा सा है ना 300-350 या 400 पॉइंट का टारगेट रखो, एटलीस्ट 300 प्लस तो निकालना है पर डे गाइस, ओके सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके इतना प्लस निकाल सकते हो आराम से। और एक बार गाइस आपका क्राउन टियर हो जाता है तो क्राउन टियर से थोड़ा सा प्लस थोड़ा कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे यार लॉबी वैसी एंड उतना किस एंड उतना सर्वाइवल वैसा चाहिए आपको, तभी आपको अच्छा प्लस मिलेगा हर एक मैच में 30-35 ऐसा, तो यार उसके लिए 10-10 से ज़्यादा किल निकालने पड़ेंगे एंड चिकन डिनर या टॉप 5 तो कंपलसरी चाहिए, एंड लॉबी मैटर करती है, तो मैं तो बोलूँगा क्राउन टियर जब हो जाएगा तो एक मैं एक वीडियो लेके आता हूँ लॉबी के हिसाब से, अभी तो फिलहाल लॉबी लो टियर की आ रही है, तो हाई टियर जब हो जाएगा उस टाइम पे गाइस मैं एक ऐसा गेम प्ले लेके आऊँगा जिसमें यार आपको ना थोड़ा सा टिप्स दूंगा कि यार कितना पॉइंट्स निकाल सकते हैं कितना पॉसिबल है एंड कैसे निकालना है। अब बात कर ले गाइस डुओ स्क्वाड की, तो देखो गाइस डुओ स्क्वाड में ऐसा है डुओ में एक पार्टनर या फिर ऐसे 5-6 फ्रेंड्स बना लो जो यार एक टाइम पे अगर एक ऑफलाइन है
तो दूसरा बंदा वहाँ पे रेडी रहेगा, या दूसरा ऑफलाइन है तीसरा, मतलब चार पांच बंदों में से कोई ना कोई तो ऑनलाइन रहेगा। और ऐसे बंदे रखो जो यार आपको भी हेल्प करे, ना कि वो अपने पॉइंट्स के हिसाब से खेले, लाइक आपको बैकअप नहीं दे रहा प्रॉपर। तो ऐसे बंदों के साथ में थोड़ा सा ना अवॉइड करो गाइस, एंड हो सके तो एक प्रॉपर टीममेट्स पकड़ लो, तभी यार आप है ना आगे जाकर हाई टियर पे आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो आपका काउंटर अटक जाएगा बीच में। टू में तो यार ये पॉसिबल है कि यार आपको जेन्युइन बंदा मिल जाए, लेकिन स्क्वाड में गाइस बहुत सारा लाइक लफड़ा हो जाता है, टीममेट का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यार वहाँ पे ना एक बंदा नहीं तीन बंदे की नीड रहती है टोटल। तो हम तो यार चौथे बंदे हैं ही, तीन बंदे की नीड रहती है, तीन बंदे में से कोई ना कोई गद्दारी करता है। एंड एग्जाम्पल किसी बंदे का कॉन्कर आपने पुश करवा दिया, एग्जाम्पल चार बंदे हैं, चार में से एक बंदे को आप लाइक पुश करवा रहे हो एक दो बंदे का, एंड उसके बाद से उन दोनों का कॉन्कर होने के बाद में वो जो दो लास्ट के बंदे जो हेल्प किए थे स्टार्ट में, उनकी अब तुम्हारी बारी है कि तुम हेल्प करने वाले उन दोनों बंदों की। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कोई ना कोई यार लाइक टाइम थोड़ा सा गंजूसी करता है टाइम निकालने में, भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ यार, तू थोड़ा सा देख ले किसी साथ साथ खेल ले, ऐसा ऐसा होता है यार। तो ऐसे टाइम पे ना ऐसे बंदे चाहिए जो यार आपको प्रॉपर स्टार्ट से एंड तक हेल्प करे, एंड लाइक आप भी उसकी हेल्प करो। तो ऐसे बंदे के साथ में ही स्क्वाड में पुश किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, एंड जल्दी जल्दी कौन को हो पाएगा, नहीं तो यार आगे जाके लटक जाता है कौन को। और एक बात गाइस ये देखो, अब इसमें गाइस क्या होगा, आपका ये जो टीममेट्स का लफड़ा होगा, आप कोई प्रॉपर टीममेट ढूंढोगे, एंड इस सब में जब आपका जो गेम खराब होगा ना, इससे यार आपका पॉइंट स्क्वाड डुओ में और भी हाई जा चुका होगा, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट इतना निकालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से गाइस आपको थोड़ा रेडी रखना पड़ेगा पहले टीममेट्स, क्योंकि आपको आगे जाके तकलीफ ना हो, क्योंकि पॉइंट्स यहाँ पे रुकने वाला नहीं आपके लिए, ठीक है, पॉइंट्स भागता रहता है। और हर सीजन गाइस स्टार्ट में डे वन से ही गाइस सच बताओ तो 100 से ज़्यादा पॉइंट भागता है पर डे, 100 से ऊपर ही भागता है, 120, 130, 100 इतने पॉइंट्स भागते हैं स्टार्टिंग में। तो डू में या स्क्वाड में आपके टीममेट्स का इश्यू ना हो तो गाइस आपको ना सेम स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी, लाइक आपको कैसे खेलना है। स्टार्ट में लो टियर पे आप थोड़ा सा रश करके खेल सकते हो, और हाई टियर हो जाए तो थोड़ा सा आप स्टार्ट में इवेंट पे लैंड करो, किस निकले ना निकले डजंट मैटर, आपको आगे जाकर थोड़ा लाइक होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम के लिए, या फिर आप थोड़ा सा एग्रेसिव खेल सकते हो अगर आपको केडी मेंटेन करनी है। तो वो आपका अपना रिस्क रहेगा, कितना पॉइंट्स निकलता है वो आपके गेम प्ले पे डिपेंड करता है। एंड हाँ, जल्दी जल्दी कॉन्कर लगाने के लिए गाइस आपको ये करना पड़ेगा, स्टार्ट में किस निकालो, नहीं निकलते इवेंट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद से गाइस आप थोड़ा होल्ड करो एंड लास्ट सर्कल में पूरा एग्रेसिव खेलो, एंड लास्ट सर्कल में किस निकालने की कोशिश करो। रियल स्ट्रेटेजी गाइस बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से। सोलो में टीममेट स्क्वाड का लफड़ा नहीं है गाइस, लेकिन यहाँ पे अगर आप मर जाते हो तो सीधा पेटी बन जाती है, तो ये बात गाइस आपको पता ही होगा। फिलहाल यहाँ पे गाइस एक बंदा था डीबीएस वाला, एंड वो पुश करने के मूड में था गाइस, और मुझे रियलाइज होता बंदा शायद से थोड़ा सा पुश करने के मूड में, तो मैं यहाँ पे ना इस वाले बंदे पे क्लोजिंग कर देता हूँ। एंड ये देखो गाइस ग्रेनेड किया, इस वाले बंदे पे गाइस डीबीएस था, डीबीएस वाले बंदे को और मारने के लिए थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता है। लिटरली मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं था कि बंदे पे है डीबीएस, अदरवाइज अपन थोड़ा सा रुक कर खेलते फाइट यहाँ पे लेते, सीधा पुश कर दिया, उसके बाद से पता चला बंदे पे डीबीएस है। अब फेस टू फेस था बंदा तो क्या ही कर सकते यार, मारो या मरो वाला सीन था, इस वाले बंदे को एमपी से मार देते। एंड गाइस अब यहाँ पे एक और डीबीएस वाले का पुश आने वाला था, इस रोबोट से मैं निकलता हूँ गाइस, जैसे मैं गिर जाता हूँ नीचे साइड में। अब मुझे डर था कि रोबोट उठा के बंदा भाग ना जाए, लेकिन बंदे पे था डीबीएस इसलिए कॉन्फिडेंस में पुश करता मुझ पे। एंड गाइस इसका भी मोए हो जाता है, दोनों पेट के आसपास ही लगा देता हूँ यहाँ पे। एंड गाइस अब यहाँ पे 8 किल हो चुके थे, 31 अलाइव थे। अब गाइस यहाँ पे ना मुझे बस सर्वाइव करना था एंड किल्स भी निकालना था, तो मैं यहाँ पे ना बंदों पे एकदम पुश करके खेल रहा रहता हूँ, क्योंकि यार देखो अभी लो टियर है तो बिंदास बंदे मार कर खेलो, ऐसा मेरा है। एंड अब यहाँ पे गाइस देखो एक बंदा रहता है, उसके पास भी सेम रोबोट रहता है। ये बंदा गाइस इवेंट क्लियर करके आया था, मतलब इसके पास में था रिकॉल, वो रिकॉल क्यों गाइस, क्योंकि ये बंदा ना अभी यहाँ पे फाइट लेता है, एंड इसको मैं देखो किस तरीके से मारता हूँ, एंड यहाँ पे मरता है, लेकिन इसके पास से एक बार और आता है, और उस टाइम पे जो फाइट होती है वो भी देखना। फिलहाल इसको कैसे मारते वो देखो, पहले यहाँ पे मैं निकलता हूँ रोबोट से, एंड मैं ट्राई करता हूँ मॉलीज मेरे पास जो थी वो, एंड बंदे का गाइस कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था तो बंदा भी ट्राई कर रहा था, बंदा करता है जंप, अभी भी यहाँ पे ना बंदा गाइस मॉली ट्राई कर रहा था, ग्रेनेड ट्राई करता है, बैक टू बैक ग्रेनेड मॉली का प्रेशर डाल रहा है, लेकिन गाइस अपन ट्राई कर रहे थे इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देने का। अब मुझे लगता है कि बैक साइड जंप कर देना चाहिए, तो मैं जंप करता हूँ, एक और बोट का वहां पे स्प्रे का साउंड आता है, लेकिन उसको मारने देता हूँ, और मैं ज्यादा ओपन में जाके मार नहीं सकता था। अब यहाँ पे जैसे बंदा डैमेज होता है इस बंदे को मारता हूँ, एंड नॉक करके सीधा फिनिश कर देता हूँ। इसके पास में थी P90, एंड गाइस यहाँ पे ये बंदा अभी इसके पास रिकॉल था, तो रिकॉल लेकर लाइक अभी रिवाइव होता है, एंड ये फिर से आता है,
तो रिकॉल होने के बाद फिर से आता है, एंड अब आगे जो होता है वो देखना थोड़े टाइम में। फिलहाल यहाँ पे गाइस 10 किल्स हो चुके थे, 18 अलाए थे। अब गाइस यहाँ पे ना मैं जोन के अंदर आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे एक और रोबोट वाला दिखता है मुझे, एंड यार इस बंदे के साथ में हो जाता है हमारा, यहाँ पे मशीन वर्सेस मशीन फाइट हो जाती है। तो रोबोट वर्सेस रोबोट यहाँ पे फाइट होने में यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होता है। अब देखो गाइस कौन यहाँ से भागता है, क्योंकि मैं तो यहाँ से फॉल बैक लेने वाले में से तो नहीं था, तो हम दोनों की फाइट हो जाती स्टार्ट। यहाँ पे लैम्बो वाला जा रहा रहता है, ये बंदा थोड़ा भागने की कोशिश करता है, पता नहीं क्या प्लान था इसका माइंड में, जो भी था मैं इसको फॉलो करता हूँ। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ मशीन गन, शायद इसकी मशीन जो थी रोबोट जो था वो डैमेज था, इस वजह से फॉल बैक लेता है। एंड यहाँ पे गाइस देख रहे हो ब्लास्ट हो चुका था उसका रोबोट, एंड बंदा था कवर में। तो मैं सीधा इस वाले बंदे पे अब क्लोजिंग करने वाला था निकलकर रोबोट से। राइट साइड में किलर था तो थर्ड पार्टी होगा नहीं, ये सोच के मैं जंप करता हूँ एंड कर देता पुश। बंदा लगा रहता गाइस हेल्थ, सीधा फिनिश करता हूँ इसको, क्योंकि इसके पास में भी गाइस था सेल्फ किट, तो ये लगा लेता तो गाइस खुद को हील कर लेता, एंड उसके पास से गाइस मोए में हो सकता था। तो यहाँ पे इसको मैं फिनिश करता हूँ एंड मैं चल देता हूँ आगे साइड में बंदों को लाइक ढूंढकर मारने के लिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना अभी टॉप 10 हो चुका है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, अगर मैं मर भी जाता हूँ तो भी मुझे थोड़ा अच्छा खासा प्लस दे देगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ना पूरा लाइक ट्राई करता हूँ किस निकालने का। अब ये बंदा जो था वो नीचे एकदम घुस कर बैठा हुआ था, एंड इसको गाइस निकालना वहाँ से बहुत मुश्किल था, बट फिर भी ट्राई करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे देखो एक और ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि यार मैंने कल एक वीडियो डाला था एंड उसमें भी मैंने बताया था, अगर आप ओपन में हो एंड अगर आप पे जोन नहीं है तो मैग्नेट जो गन है ना गाइस उससे आप थोड़ा सा वॉल्स वगैरह का लाइक कवर बना सकते हो, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। तो ये वाली ट्रिक गाइस सेम मैग्नेट को रोबोट में विदाउट बैठे आपके पास में जब गन रहेगी ना, तो उस गन को लाइक अपन ऐसे ओपन में यूज़ कर सकते, कवर बना सकते, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए रहता है, उसके बाद से वो खुद लाइक ब्लास्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। अब मैं बंदे ढूंढते ढूंढते गाइस इस साइड में आ जाता हूँ, यहाँ पे गाइस पेटी आती है एंड मुझे एक बंदा भी स्पॉट होता है, एंड ये लैम्बो वाला बंदा। तो अब यहाँ पे गाइस फिर से स्टार्ट कर देता हूँ फाइट, सो मोली निकाल के डालता हूँ, एंड इस बार गाइस बंदे के पास में P90 नहीं थी, इसके पास में थी ग्रोजा, एंड ये बंदा वही रहता है जिसको मैंने मारा था, एंड इस बंदे ने रिवेंज ले लिया था अपना। तो यहाँ पे गाइस अपना पेटी बन जाता है, लेकिन गाइस आज मैंने डायमंड लगा दिया है, अभी टाइम लिमिट बचा हुआ, तो आज शाम की स्ट्रीम पे देखते कितना प्लस निकाल पाता हूँ। और रही बात गाइस और भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कल, तो वो वाली वीडियो भी देख लेना, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर किए थे जो कि यार इवेंट के रिलेटेड था, उसमें जो भी फीचर्स है उसको कैसे यूज कर सकते हो, तो वाली वीडियो देख लेना कल वाली। और एक इंपॉर्टेंट गाइस ये कि ये वाली आईडी पेट पुश के लिए मैंने पिक किया है, इस पे मैंने नेम चेंज कर रखा है, ये रॉयल भाई की आईडी है। एक और आईडी मुझे पिक करनी है जिसपे मुझे रैंक पुश करना है शाम की स्ट्रीम पे, क्योंकि टाइम लिमिट कम पड़ जाता है गाइस 6 घंटे, तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो ईमेल पे, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और ईमेल का लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।